हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं रेनुका डोरा चैनल और मैं हूँ रेनुका डोरा। तो मैं इसी स्टाइल से हमेशा आपके साथ आती हूँ। तो फिर आपको कैसे आता है मेरे स्टाइल पसंद, तो आप ज़रूर बोलना। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताऊँगी कि एम आई एलेवन सर्कल से कैसे टीम बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक फंटास्टिक टीम लेके आई हूँ, जो आपके आगे मैं सारे डिटेल्स बताऊँगी, तो बहुत ही झकास और ख़ास होने वाली है दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हल्का सा भी नहीं, पूरे लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टीम लेके आई हूँ जो आपको जिता सकती है। तो मेरे साथ अब बने रहना। ये टीम है, ये डोमो है, आप इसमें से भी आप अपने दिमाग लगा के अपनी टीम बना सकते हैं, और चाहे तो मेरी टीम को भी आप यूज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो गेम जिसके साथ होने वाली है दिल्ली और कोलकाता के बीच में, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहती हूँ सर्कल करके। तो चलिए फिर इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे इसको क्लिक करते हैं दूसरे पेज नज़र आएंगे, तो यहाँ क्रिएट टीम नज़र आएंगे। बस इसको हल्का सा टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो जैसे ही करते हैं दूसरे पेज खुल के नज़र आते हैं। यहाँ पे दिल्ली और कोलकाता के लोगो नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको 100 की क्रेडिट दी गई है, और यहाँ पे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर भी दिए गए हैं। हमें इस 100 क्रेडिट के अंदर ही इन सब को बनाने हैं। तो आप देख रहे हो ना दोस्तों कि कैसे क्या करना है, जैसे कि मैं रो हमेशा बताती हूँ। तो ये जो क्रिकेट होने वाली है वेनसडे 13 अक्टूबर को होगी, और इंडियन टाइमिंग के अनुसार ये होगी 7:30 PM को होगी, और ये होगी शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में ये गेम होगी। और हिट टू हिट की बात की जाए, इसके वेदर की बात की जाए, तो वेदर बहुत ही साफ़ सुथरे वेदर है, और पिच भी अच्छी है। हिट टू हिट की बात किया जाए दोनों के बीच में, तो 28 बार दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है। दोनों के बीच में 28 बार खेल हुए हैं, जिससे दिल्ली कैपिटल्स 13 बार विनर हुए हैं, और कोलकाता नाइट रीडर 15 बार, जिसमें कोलकाता थोड़े आगे चल रहे हैं। तो गेम है भाई, कुछ भी हो सकते हैं, जीत या हार, क्या पता एक पॉइंट आज दिल्ली जीत जाए, आगे बढ़ जाए, या कोलकाता, कुछ भी हो सकता है, तो हम बोल नहीं सकते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, लक भी साथ दे देते हैं, और कभी कभी प्लेयर साथ दे देते हैं, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फिर विकेट कीपर की बात करते हैं। तो विकेट कीपर आपको यहाँ देख रहे हैं ना, देखने को जैसे मिल रहा है, बस जस्ट नीचे में उसके खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे क्रेडिट्स भी दी गई है। तो हमको इसी से चूज़ करके बनाना है अच्छे टीम। तो चलिए फिर टीम बनाते हैं। तो हम लेते हैं विकेट कीपर। तो विकेट कीपर को आप यहाँ पे सारे के नाम देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऋषभ पंत को लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं बैट्समैन की ओर। तो बैट्समैन में यहाँ पे लूँगी श्रेयस लेयर भी है, यहाँ जैसे सब के नाम आपको स्क्रॉल करते रहिए, सब नाम आपको नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ शिखर धवन को लेती हूँ, और फिर श्रेयस लेयर को लेती हूँ, और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे स्क्रॉल करते रहे सारे नाम है, तो यहाँ राहुल त्रिपाठी को लेती हूँ। अब पढ़ते हैं ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर में मैं यहाँ लूँगी वेंकटेश लेयर को लूँगी, फिर सुनील नारायण को लूँगी, और फिर यहाँ पे आप बढ़ते जाइए तो यहाँ पे सकीब और अशन को लेती हूँ। अब बॉलर की बात आई, तो बॉलर भी फटाफट दोस्तों बना लेते हैं। तो यहाँ पे बॉलर में लूँगी, देख रहे हैं सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप चूज़ कीजिए फिर इसमें। ईशान शर्मा, कुलदीप यादव, अमित मिश्रा, ये सारे नाम दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी कसिगो राबदा को,
वरुण चक्रवर्ती को, लौकिक फर्गसन को लूँगी और अवेश खान को। तो मेरी टीम बन के रेडी है। अब मैं ऐसे नेक्स्ट करती हूँ, जैसे नेक्स्ट करती हूँ तो दूसरा लोगो खुल के नज़र आ रहा है, कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन अगर अच्छा प्रदर्शन किए, अच्छा चूज़ किए तो 2 गुना पॉइंट मिलते हैं, और वाइस कैप्टन अच्छा चूज़ किए, अच्छा प्रदर्शन तो 1.5 गुना पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना लेते हैं। तो कैप्टन में यहाँ पर लूँगी शिखर धवन को लेती हूँ, और वाइस कैप्टन में यहाँ पर लूँगी वरुण चक्रवर्ती को। तो मेरा यहाँ पे बन गया, रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे सेफ टीम करती हूँ। जैसे यहाँ मैं सेव कर दी हूँ तो अगला टीम यहाँ पे माय टीम्स खुल के नज़र आएगा। फिर यहाँ पर प्रीव्यू दिया हुआ है, जैसे प्रीव्यू दबाई तो यहाँ पे सारे टीम जो जो मैं सेलेक्ट की हूँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरे इसमें कुछ भी आपको पल दो पल की अपडेट ही कुछ भी अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी पर चेक कर लेना, और मेरे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दी हूँ वहाँ से फॉलो कर लेना। मेरा टेलीग्राम भी रेणुका डोरा, तो वहाँ से आप फॉलो कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छी टीम लेके आते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी इस टीम और मेरी बातें और मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना इस चैनल पे प्यार देना ना भूलिएगा, और प्लीज़ 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 अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनती है यार, तो लाइक भी ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।